हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आज हम लोग देखेंगे हमारा इंग्लिश का क्लास 9th का PTE1 का सैम्पल पेपर, जो कि हमारे भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे होता है हमारा पहले अनसीन पैसेज रहता है, तो देख लीजिए अनसीन पैसेज पूरा एक बार देख लीजिए और फिर बाद में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन हैं। और एक बार पूरा ही दिखा देते हैं पेपर। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो अब देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और फिर बाद में हमारा राइटर राइटिंग और ग्रामर वाला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इसमें दिया गया है कि यू आर सौरभ श्रीवास्तव, रेजिडेंट ऑफ डिफेंस कॉलोनी बगदोगरा सिलीगुड़ी। योर कॉलोनी इज़ फेसिंग द सीवर प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई। यू डिसाइड टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड मेक द अथॉरिटीज अवेयर ऑफ द सिचुएशन बाई राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ सिलीगुड़ी टाइम्स सिलीगुड़ी। राइट योर लेटर इन अबाउट 100 to 120 words। और ये 7 mark का क्वेश्चन है। तो इसमें हम सौरभ श्रीवास्तव हैं, एड्रेस दिया है हमारा, और उसमें क्या करना है, लेटर टू एडिटर लिखना है किस बात पे, इनएडिक्वेट और कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई के बारे में। और आप इधर ये वाले तो क्वेश्चन देख ही सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक है, और जो फर्स्ट वाला है उसके ऑप्शन 4 दिए गए, सेकंड के ऑप्शन भी 4 दिए गए, थर्ड के भी 4 ऑप्शन दिए गए। इन्हीं में से आपको चूज़ करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, मतलब पैसिव वॉइस दी गई है आपको, उसमें फिल करना है ऑप्शन में से। देख लीजिए आप अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो बुक थी वो चेंज हुई है, वो अब इंग्लिश कम्युनिकेटिव चलती है। और एक नॉवेल इंग्लिश कम्युनिकेटिव में एक कम्युनिकेटिव लिटरेचर रीडर है, और एक मेन कोर्स बुक है, एक वर्क बुक है, और एक नॉवेल भी हमारी चलती है, 3 Men in a Boat, तो वो भी है इसमें। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन 5 दिया गया है, इसमें द ब्रुक आपकी जो पोएम है इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिटरेचर रीडर की, उसका यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उसी का यहाँ पे मतलब दिया गया है, मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, और उसमें से आंसर टिक करना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो लॉर्ड एल्फ्रेड करके है, आपको हमने हिंट दे दिया, आप बताइएगा कमेंट करके कि इसका पोएट कौन है द ब्रुक का। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कोई भी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 5 आंसर बताने हैं 30 से 40 words में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि 80 से 100 words में बताना है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, नेम 4 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस इन द नॉवेल 3 Men in a Boat, गिव एन अकाउंट ऑफ ईच। तो 4 कैरेक्टर के बारे में बताना है, पहले थे जेरोम, दूसरे थे हैरिस, तीसरे थे जॉर्ज, और चौथा उनका एक डॉग था जिसका नाम था माउंट मोरेंसी। तो उसके बारे में डिटेल में बताना है। और या फिर आप एक और कर सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग द स्टोरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, वॉट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ द टीचर एंड वॉट डू यू थिंक इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट।
टीचर का क्या रोल होना चाहिए पढ़ाने में और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए टीचर से पढ़ने में, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो और डालने वाले हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक भी कर दीजिएगा, इतनी अच्छे अच्छे पेपर आपको दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।